एक तो उठा ले, ये वाला तो जरूर उठाएंगे, ये वाला जोड़ जोड़ जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस फाइनली आज हम जाने वाले हैं कहाँ, घोड़ा कटोरा। क्या वहाँ सच में घोड़ा कटोरा बना है? चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है। फिलहाल मस्त निकलते हैं। गाइस हम कहाँ बैठे हैं? हम बिहार के टमटम पे बैठे हैं, जो हमारे वहाँ टांगा बोला जाता है। ये देखिए भाई साहब, भाई रस्सी पकड़ेगा थोड़ा, लाइए पकड़िए 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 भाई, टमटम है ये टमटम। पहुंचा दे भाई पहुंचा दे, घोड़ा कटोरा। और स्पीड में भी भगाते हैं आप लोग गाइस? अच्छा गाइस, अभी जो है ना अभी स्पीड में भगाने वाले हैं, थोड़ा अभी जाम चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा स्लो किए हैं। अब धीरे धीरे जाम खत्म होगा तो भाई साहब धीरे धीरे ना स्पीड बढ़ाएंगे। गाइस स्पीड जो है ना धीरे धीरे बढ़ रही है, अब स्पीड बढ़ गई है गाइस इस घोड़े से। और इस घोड़े ना ये अपना घोड़ा आगे निकल गया। इसको आप लोग क्या क्या खिलाते हैं? भोजन ले लेते हैं साथ में। भोजन? अच्छा इसका भोजन लेके चलते हैं साथ में। क्या देते हैं? जय जो। अच्छा अच्छा, इसपे राइड करके ना बड़ा मजा आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, टमटम ने हमको वही छोड़ दिया। और ट्रैफिक इतना लंबा लगा हुआ है, 1 से 2 किलोमीटर तक है ये ट्रैफिक, काफी लंबा है। फाइनली गाइस हम घोड़ा कटोरा हम पहुंच गए हैं। और फिलहाल गाइस जहां से हम चढ़े हैं ना वहां से 6 किलोमीटर है और रास्ता बहुत खराब था। चलते हैं रोड पे। ओ भाई साहब पहुंच गए। ओ भाई ये रेस्टोरेंट देखिए गाइस, थोड़ा बहुत यहां आराम कर लेते हैं और फिर आपको हम सैर कराएंगे यहां की। ओ भाई ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है भाई, घोड़ा कटोरा यही है। और फिलहाल यहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। इधर देखिए इधर सब पहाड़ है, इधर देखते हैं भाई इधर कहाँ तक जा सकते हैं। गाइस बोट के लिए हम गए थे टिकट लेने, फिलहाल 45 वेटिंग है। और ये रिक्शा वाले कहे हैं कि 1 घंटा आपके पास समय है, आप 1 घंटे में आप आ जाइएगा। फिलहाल अब क्या करें, बोट पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऑटो वाला ना लेके चला जाएगा, फिर हम यहीं रह जाएंगे। वो देखिए पहाड़ गाइस, हम कितने ऊंचाई पे हैं और हमसे नीचे लोग कितने हैं वो देखिए भाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। और फिलहाल अब धीरे धीरे चलते हैं नीचे। जब बारिश होती होगी ये जो पहाड़ है ना ये सब टूट टूट के ना गिरता होगा। ये देखिए यहाँ तो भाई कोई सपोर्ट ही नहीं है। गाइस हम चल रहे हैं वहाँ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। वाओ नाइस, ऐसे लग रहा है किसी ने काटा है। और देखिए ये सब टुकड़े में है, बहुत बड़ा बड़ा है गाइस टुकड़ा ये। यहाँ देखिए ये कितना बड़ा टुकड़ा है। मेरे जूते में क्या चला गया यार, ओ ये पता नहीं क्या है। अरे भाई साहब यहाँ से हम कैसे निकले? ये देखिए कितना डेंजर है, यहाँ से कैसे जाए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। लाल यहीं से आराम से निकलते हैं, इसको पकड़ के भाई। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर है। आ गए भाई मस्त, यहाँ पत्थर जो है ना सब साज के सही करके ये सब रखे हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल रोड की तरह है। अगर कोई आए ना तो इस पे गिरे ना, फिसल भी नहीं रहा है, काफी बढ़िया है। और यहाँ से व्यू कितना प्यारा है, अमेजिंग। ओ भाई साहब ये देखिए गाइस, हम चलते हैं वहाँ और ऊपर। अगर ये भाई 100 मीटर हो जाता तो चलते चलते भैया हालत खराब हो जाती, पैर दर्द करने लगता है। अभी थोड़ा ही है, इधर तो बकरियों को लेके आए भाई बकरी चराने के लिए इन पहाड़ों पे। ओ भाई साहब ये देखिए और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। अभी हम आपको एक चीज और दिखाएंगे, पहले इधर की जो भी है ना आपको शेयर करा दे पहले। फिलहाल चलते हैं, इधर रास्ता बना हुआ गाड़ी वाड़ी आने जाने के, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है भाई, नहीं गिर जाएंगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। ये क्या है, इसके अंदर क्या है भाई? अच्छा ये तो डैम बना हुआ, यहाँ से पानी जाता है कहीं। ये देखिए पाइप लगा हुआ है, कितना मोटा है पाइप भाई, कितने ऊंचाई है भाई, ये पहाड़ काफी ऊंचाई है। और ऐसे लग रहा है ना कि भाई हथौड़ा से या फावड़ा से ऐसे पहाड़ को ना काटा गया है। फिलहाल ये इसको कोई काटा नहीं गया है, ये बारिश की वजह से ये सब इधर उधर टूट चुका है। गाइस यहाँ हमको नीचे ना छलांग लगानी पड़ेगी। फिलहाल आराम से उतरते हैं भाई। अरे 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 अरे, इसमें से पानी ना वहाँ जो गंगा हमने आपको दिखाया है इसमें से पानी उसमें गया है, क्योंकि ये जो पाइप लगाया ना यहाँ से पानी जाता है उसमें, वो बनाया गया है। फिलहाल भाई साहब ये है गाइस पाइप जो इसमें से पानी गया उस गंगे में, उसको बनाया गया। गाइस इस पे चलना ना बहुत संभल के चलना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर पैर या पत्थर इधर उधर हुआ भाई गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। फिलहाल बहुत देखिए सब हिल रहा है पत्थर, चलना वहाँ। भाई साहब पहुंच गए यहाँ,
स्टैम के पास। ओ भाई साहब ये देखिए, और यार इसमें, ओ भाई इसमें पानी है, भाई इसमें पानी है, वाह। यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से पाइप इसमें डाल के फिर ये जो पाइप लगाया ना, तब यहाँ से पानी खींच के वो जो गंगा बनाया उसमें जाता होगा। भाई कुज्जा 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 आराम से, ये गाइस इतना प्यारा है। यहाँ से कुछ इस तरीके से है भाई, यहाँ देखिए गाइस। गाइस हम देखते हैं इन पत्थरों पे हम कितना स्पीड में हम चल सकते हैं और कितना तेजी में हम भाग सकते हैं इस पे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। भाई भाई आराम से आराम से आराम से, बहुत भयानक है बहुत भयानक। थोड़ा सा भी पैर अगर मिस्टेक हुआ तो गिर जाएंगे। गाइस हम दौड़ रहे हैं ना, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अरे अरे भाई बहुत डर लग रहा है, आराम आराम से चलते हैं, हमको वहाँ जाना है। और इधर जो है ना भाई बहुत कमी लोग हैं और हम ही अकेले हैं, आराम से निकल जाते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा डर भी रहता है ना अकेले अगर कहीं जाए और भाई वहाँ कुछ लोग हो तो दिक्कत हो जाएगी फिर, तो आराम से हम निकल जाते हैं भाई यहाँ से। कल मेरा जूता फंस गया, ये देखिए। अबे निकल, एक पत्थर उठाते हैं। नहीं उठाया भाई, बहुत वजन है एक पत्थर में, एक तो उठा ले, ये वाला तो जरूर उठाएंगे, ये वाला जोड़ जोड़ जाओ जाओ। और ये भाई काफी वजन है गाइस, बहुत वजन है एक पत्थर में, हमें लगता है ये काटा गया है, ये काटा गया आने जाने के लिए। फिलहाल मस्त बढ़ते हैं आगे, और नीचे है पानी, और अब चलते हैं गाइस। बहुत ही शानदार जगह गाइस, इतना परिश्रम इतना मेहनत करके आए हैं और बोट पे अलाउ नहीं है। 45 आदमी पहले से ऑलरेडी बुक कर चुका है और हम आए तो भैया वेटिंग चल रहा है, और हमको यहाँ पे सिर्फ अलाउ है 60 मिनट, यानी एक घंटा, और कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। तो हम ही एक नहीं है, काफी लोग हैं गाइस। जो पहाड़ दिख रहा है उतनी अगर ऊंचाइयों पे अगर जाना चाहे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि काफी ऊंचाई है। यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि कम है, लेकिन उसकी जो हाइट है ना बहुत ही ज्यादा है, काफी है। कैसे एक बार हम पानी टच करते हैं, फिलहाल वहाँ टच किए हैं और एक बार यहाँ टच कर ले, देखे गर्म है कि ठंडा है। अब भाई पहाड़ों पे पानी तो ठंडा ही रहेगा, पानी ना ठंडा है गाइस। यही है घोड़ा कटोरा, अब इसके हम पीछे हैं और इसके हम चलते हैं, हम फ्रंट आपको दिखाते हैं, चूंकि फ्रंट से और भी शानदार है यहाँ की व्यू गाइस। पहाड़ों पे ये सब बना है, पहाड़ों पे, और इसलिए ना यहाँ ज्यादा भीड़ लगता है, और आने में तो गाइस क्या बताएं, बहुत ही परेशानियों से हम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो ऑटो आ रहा है ना सब बुकिंग आ रहा है और हम अकेले, तो कह रहे हैं अकेले आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ अगर 4-5 कोई होता है या फैमिली होते या भाई होते कोई भी, तब बुकिंग करके आते हैं। अकेले हमको कोई नहीं बैठा रहा था, 1-2-3 घंटा इंतजार किया, तब भाई किसी ने देख के ना हमको फिर बैठाया। फिलहाल किसी तरह आ गए, हमारा काम है आपको हैप्पी करना, खुश करना। फिलहाल चलते हैं गाइस, ये पिल्लर पे बना हुआ है और पिल्लर जो है ना काफी मजबूत है इसका। गाइस ये जो वॉचमैन है बोट उधर लेकर गया है ना, तो ये सीटी मार रहे हैं, कह रहे हैं उधर अलाउ नहीं है जाना। गाइस ये है फ्रंट का, काफी प्यारा है, और इधर चारों तरफ पहाड़ है, और इधर देखिए भाई बोट लेके ना सब चला रहे हैं बोट। गाइस अमेजिंग व्यू है, ये देखिए भाई यही है घोड़ा कटोरा। गाइस एक घंटा मेरा खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं ई रिक्शा पे बैठने, और मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ घोड़ा कटोरा घूम के। अलविदा घोड़ा कटोरा, जा रहे हैं अब। और ये स्थित है भाई पहाड़ों के बीच घोड़ा कटोरा। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।